साउथ इंडियन लोग तो सभी जानते हैं इसको, ये क्या है, लेकिन आजकल सांभर सब जगह यूज होने लगा है, सब खाने लगे हैं, तो सभी इसे ड्रमस्टिक को जानते हैं और लोग यूज भी करने लगे हैं। अब ये थोड़े दिन पहले मोदी जी ने भी काफ़ी फेमस कर दिया, क्योंकि उन्होंने अपने पराठे की रेसिपी बताई थी और सब लोगों ने इसे देखा भी है। तो आज हम पराठा ही बनाएंगे इससे। हमने ये ड्रम स्टिक ऐसे काट ली है और काटने के बाद अब हम इसको पानी में बॉईल कर लेंगे। ये देखिए, मैंने एक कप पानी लिया है और ये यहाँ पर मैं अब इसे गर्म कर रही हूँ। इसको अच्छे से बॉईल आने तक हम पकाएंगे और पकाने के बाद हम जैसे गैस बंद करेंगे, थोड़ा सा हम इसे ठंडा करेंगे और उसके बाद हम ऐसे इसको, अभी ठंडा अच्छे से नहीं हुआ है और मैं यहाँ पोटैटो मैसर की सहायता से इसे अच्छे से प्रेस कर रही हूँ, जिससे ये जो मोरिंगा है, इसे मोरिंगा, सहजन की फली, ड्रमस्टिक ऐसा बोलते हैं, सब अलग अलग नाम सब यूज करते हैं। अब यहाँ पर इसको मैंने ऐसे प्रेस करके ये पानी अलग कर लिया है। इस ड्रमस्टिक के सभी जो विटामिन्स थे सब इस पानी में आ चुके हैं। अब हमने ये अलग कर दिया है और इस पानी से हम अपना पराठे का आटा बनाएंगे। यहाँ पर मैंने मल्टीग्रेन आटा लिया है और इसमें नमक, हल्दी, मिर्च, धनिया पाउडर, चाट मसाला, काली मिर्च, अजवाइन, कसूरी मेथी, ये सभी चीज़ें ली हैं। चिली फ्लेक्स लिया है, काला नमक, गर्म मसाला, आप इसमें तेल घी का भी यूज कर सकते हैं, मैं वो नहीं कर रही हूँ, पराठा बनाते टाइम करते हैं लेकिन मैं नहीं कर रही हूँ। अब यहाँ पर मैंने ये ड्रमस्टिक का जो पानी था इसी से आटा बना रही हूँ। ये देखिए, हमने अच्छे से इसका आटा बना लिया है। आप सिंपल आटा ले सकते हैं, आपके पास सिंपल आटा है, लेकिन मैंने मल्टीग्रेन लिया है और यहाँ पर अब हम इससे पराठा बनाएंगे। ये मैंने चकले पर रखा है और अब हम बेलन की हेल्प से इसकी एक गोल रोटी बना लेंगे। ये देखिए, ये काफ़ी हेल्दी है और इसे आजकल काफ़ी लोग यूज़ करने लगे हैं। ड्रमस्टिक का जो मोरिंगा का है, सूप भी लोग पीते हैं, वो भी काफ़ी हेल्दी रहता है, तो आप किसी भी तरह से इसे ज़रूर लीजिएगा। अब ये देखिए, मैं ये पराठा तवे पर डाल दिया है पन रोटी और इस पर घी लगा के हम इसका पराठा बना लेंगे। अभी मैं देसी घी ले रही हूँ। आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, मैं इसे बताऊंगी आपको कि मोरिंगा के कितने फ़ायदे हैं खाने के। आप इसे किसी भी तरह से ज़रूर खाइए, क्योंकि इसमें कैल्शियम की मात्रा भी काफ़ी पाई जाती है। आप इसे आसानी से बनाकर अपने बच्चों को, हस्बैंड को लंच में या कैसे भी मॉर्निंग में, ब्रेकफास्ट में दे सकते हैं, जिस टाइम भी आपको पसंद आए। तो ये इस तरह से बनकर हमारा मोरिंगा का पराठा तैयार हो गया है। आप इसके पत्तों से भी पराठा बना सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छा टेस्टी लगता है। और ये देखिए, अब हमारा पराठा रेडी है। आप इसे कैसे भी सर्व कर सकते हैं, आप इसे दही के साथ, सॉस के साथ, चटनी के साथ, जैसे भी आपको पसंद आता है आप इसे उस चीज़ के साथ खाइए। आप इसे ज़रूर खाइए और आप इसे कैसे भी खाइए, जैसे भी आपको पसंद है ये, क्योंकि इम्यून सिस्टम को मजबूत करती है ये मोरिंगा जो है, शरीर को एनर्जी देती है, इसे थकान की समस्या भी दूर होती है, आयरन से भरपूर है ये मोरिंगा और इसके पत्ते भी काफ़ी सारी बीमारियों को दूर करते हैं। तो आप इसे किसी भी तरह से खाइए, पराठा बनाइए, सूप बनाइए, किसी सब्जी में खाइए, तो इसे ज़रूर खाइए। तो कैसी लगी आपको आज की रेसिपी, हमें ज़रूर बताइए। पसंद आने पर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं ऐसी ही आसान रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।